हम दोनों ने मैक चिकन ऑर्डर किया था लेकिन अलग अलग तरीके से। अब इन दोनों में मेरे ऑर्डर करने और आकिल के ऑर्डर करने में या उस ऑर्डर में जो आप सब लोग आके यहाँ पर करते हैं क्या फ़र्क है, ये इसको अनरैप करके आपको दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग जा रहे हैं मैकडोनल्ड में और आज की वीडियो में कोई फूड रिव्यू नहीं है बल्कि आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैकडोनल्ड हैक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़ हम लोग मैकडोनल्ड में आ चुके हैं। मैं इनकी ड्राइव थ्रू से ऑर्डर करूँगा मैक चिकन और आकिल इनके डाइन हॉल से ऑर्डर करेगा और सेम बर्गर मैक चिकन ही। और इन दोनों में आज क्या हैक होने वाला है और क्या डिफरेंस निकलेगा वो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वालेकुम अस्सलाम यार, एक मैक चिकन रेगुलर मील करनी है और जो बर्गर है मुझे एज़ पर पिक्चर चाहिए। जो बर्गर है मुझे एज़ पर पिक्चर चाहिए, वो देख लीजिएगा, उसके अगर पिक्चर की तरह का ना हो तो मैंने वापस करना है फिर। ओके हाँ ड्रिंक हो गया। ओके ओके तो मैं वेट कर लूँगा लेकिन मुझे एज़ पर पिक्चर ही बर्गर चाहिए। ठीक है। तो गाइस मैं अपना ऑर्डर कर चुका हूँ ड्राइव थ्रू से और मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ अपना डाइनिंग से। दोनों ने हम दोनों ने एक ही बर्गर ऑर्डर करना है मैक चिकन और दोनों के बर्गर्स और ऑर्डर करने की वजह से दोनों के बर्गर में जो डिफरेंस आएगा वो आपको दिखाएंगे आज। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। एक मैक चिकन की रेगुलर मिली और इसके अलावा बस फंटा स्प्राइट मैक करना है इधर ही करना। तो दोस्तों मेरा और आकिल का ऑर्डर आ चुका है और अब ये दोनों हम लोग ये दोनों बर्गर अनरैप करेंगे और देखते हैं कि मेरे ऑर्डर देने में और आकिल के ऑर्डर देने में क्या फ़र्क था। पहले खोलते हैं हम लोग आकिल का बर्गर। क्या बर्गर हो जी? ये है आकिल का बर्गर जो एक नॉर्मल जो मतलब सब लोग आके ऑर्डर करते हैं जिस तरीके के साथ। और अब खोलते हैं मेरा बर्गर। ये है मेरा बर्गर। दोनों के सेम बर्गर हैं, दोनों के मैक चिकन थे, दोनों के सेम प्राइस हैं और दोनों ही मैक चिकन है ये। और आप इसमें इस बर्गर को देख लें क्योंकि मैंने डिमांड किया था एज़ पर पिक्चर का कि मुझे एज़ पर पिक्चर ही बर्गर चाहिए था क्योंकि ये आकिल की शक्ल आप इस वक्त देख सकते हैं। मैंने डिमांड की थी एज़ पर पिक्चर की। छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, काफ़ी डिफरेंस है। हाँ ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, ये सेम बर्गर है हम दोनों का। भाई वो बर्गर पकड़ो ना अपना। दोनों के मैक चिकन है और दोनों में डिफरेंस देख लें मेरे ऑर्डर करने में और इसके ऑर्डर करने में। इसका साइड चेंज करो। और आप जब भी मैकडोनल्ड का विज़िट करें तो इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि आपने हमेशा डिमांड करनी है एज़ पर पिक्चर की। जो चीज़ ये दिखाकर आपसे पैसे ले रहे हैं वो चीज़ आपने इनसे लेनी है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये हैक पसंद आएगा। हम लोग अब ये फूड इंजॉय करते हैं और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और ये बड़ा जूसी और बड़ा मतलब फुल ऑफ इन्ग्रीडियंट्स है। जैसा ये तस्वीर में दिखाते हैं वैसा बर्गर मैंने लिया। मैं तो इसको बड़े मज़े से खाऊंगा। तो दोस्तों आप में से जो भी ये हैक यूज़ करेगा वो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। तो ये हम सब लोगों का राइट है किसी भी मल्टीनेशनल फूड चेन पे अगर आप जाते हैं तो, क्योंकि आप लोगों ने पैसे हर्ट करने हैं तो आप लोग ये राइट रखते हैं डिमांड करने का कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जाए जो वो दिखा के आपसे पैसे ले रहे हैं। लेकिन ये मैक चिकन आप सामने देख सकते हैं, असली मैक चिकन ऐसा होता है। ये मैक चिकन है, असली मैक चिकन जो इनका एज़ पर पिक्चर है वो ये है और जो आजकल हमें मिल रहा है वो ये है मैक चिकन। ये इनका मैक चिकन बर्गर है, ये आप देख सकते हैं। आप जब भी आइंदा मैकडोनल्ड में जाएं अपना फूड ऑर्डर करते वक्त ज़रूर उनसे डिमांड करें कि आपको एज़ पर पिक्चर बर्गर चाहिए। अगर आप में से कोई भी ये हैक यूज़ करेगा या थोड़ा पीछे कर ले, इतनी नेड़ी तो मेरी अपनी फोटो नहीं अच्छी आती।